करण, अनु, इस बार मैंने इस मंथ की ग्रॉसरी भी ऐसे ही रखी हुई है पैक्ड, तो वहीं जाके मैं इसको अनपैक करूंगी। फाइनली डे आ गया शिफ्टिंग का और ये पैक हो चुकी है यहाँ पे सारी चिल्लर, छोटा मोटा जो सामान था, और इसमें मोस्टली है कियाना का सामान। तो मैं आपको दिखाती हूँ कियाना ने कितना सुंदर कैलेंडर यहाँ पे बनाया है। हाँ, ये यहाँ से थोड़ा टूट गया क्योंकि यहाँ से एक पतला पार्ट था, आपने तो खींचा होगा। हाँ, गलती से खींच लिया मैंने। तो फिर ये है 14 क्योंकि अब कल इसके पीछे इसने बनाया हुआ है। क्या दिखाओ? नंबर्स एंड मंथ। हाँ, यहाँ पे मंथ्स वाले ये चिट्स डाले हैं, डेज एंड वीक डेज। तो अभी अभी मैं 15 डालूंगी। 15 आज का डेट तो 15 है। तो फिर ये जाएगा ऐसे। और आज फ्राइडे नहीं, आज सैटरडे है, तो फिर मैं ऐसे डालूंगी। और ये पेपर कटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई ना, छोटे बड़े आपने डाल दिए, कट किए। वाओ, सैटरडे 15th October, नाइस। तो क्या ना बिचारी नहाने। हाँ देखो कितनी सुंदर डॉल है, इतने 2 सालों से हम घर में रह रहे थे, बेचारी के बाल की हालत देखो। तो इसको शावर दे देना, जाओ अब नहाने जल्दी से। टीवी वगैरह है ना, इनको कोई अंकल आएंगे शिफ्टिंग करेंगे, इनको पैक करके, फिर पैक करके इनको पैकर्स एंड मूवर्स आएंगे, वो हाँ। ये बड़ा सामान पैक कर लेंगे। और अभी यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, मैंने सूखने डाले थे, रात को भी बारिश थी तो बाहर नहीं सूखे, तो इनको मैं पैक कर लूँगी सूट केस में। हाँ, तो चलो मनाने। यहाँ पे लाइट चली गई है, हरन उठ गया। गुड मॉर्निंग हरन। कियाना भी जा रही है स्कूल अपने पापा के साथ क्योंकि इसकी है पीटीएम आज। बाय बेटा। और यहाँ पे पड़ा हुआ है ये लगेज, ये वाला चिल्लर कार्टन बॉक्स में डाल देंगे बाद में जब पैकर्स एंड मूवर आएंगे। बाय। बहुत बारिश हुई है यहाँ पे कल रात, मेरे को ऐसा लगता है। और देखो गाड़ी कितनी गंदी हुई है, देखो ये पत्ते गिरे, ये पत्ते स्पेयर से गिरे हैं। पापा सारे पत्ते निकाल दे रहे हैं। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ पहले, फिर हरीश सामान लेके आएंगे। तो देखो गाड़ी में भी हमने सामान डाला है और पीछे है सारा सामान है पीछे मेरे और नानू के साथ। चलो पहुंचने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ, चुके हैं घर के। और यहाँ भी आज लाइट नहीं है, सुबह से पावर कट है शायद। हाँ, तो फैन भी नहीं चल रहा है, अभी नीचे से चल के आया ना तो बहुत गर्मी लग रही है। और मेरे को तो नहीं लग रही क्योंकि मैंने सिर्फ एक मम्मा पापा बार बार सामान लेके नीचे आते ऊपर आते नीचे, मैं तो इधर ही बैठी थी। तो अभी पैकर्स एंड मूवर्स आ गए हैं, तो जो बड़ा सामान है फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का वो पैक करके लाएंगे। और बचा हुआ सामान हरन की टॉयज भी लाएंगे, है ना? और कियाना के टॉयज ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ, नो के टॉयज भी उसके अंदर ही हैं। अच्छा, उसके अंदर नहीं, कुछ एक बच्चे थे वो बैठ के डॉग के साथ। कियाना आज बहुत एक्साइटेड है, इसे अच्छा लग रहा है ना ऊपर वाले फ्लोर पे आके, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में अंधेरा सा रहता है तो यहाँ पे काफी लाइट है। अभी खाली है ना तभी आपको खुला लग रहा है, वैसे बराबर है।
थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ा सा फर्क है और हमारे पेट की पूजा भी हो चुकी है। पहले ये चुकी है करना, रंग करना। कंफ्यूज हो रहे हैं, टीवी इधर लग रहा है या फिर टीवी इधर लग रहा है। यहाँ से तो इस जगह से तो उस तरफ टीवी ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो आप देखो इस तरफ टीवी अच्छी लगेगा। चलो देखते हैं अभी जवान आएगा। तो आज मैंने लंच नहीं बनाया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था और सारा सामान भी पैक कर लिया था, तो हमने बाहर से ही इडली डोसा मंगवा के खा लिया। डोसा इतना टेस्टी था ना, और हानि की थी मैंने। और मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है, पूरा फेस रेड हो गया क्योंकि मम्मा बार बार नीचे ऊपर। यही नुकसान होता है ऊपर वाले फ्लोर पर रहने का, है ना? हाँ, चलने का। अब कियाना स्कूल बैग उठा के आया करेगी। और यहाँ पे आ चुका है कियाना का बोर्ड। रोशनी मेरी फ्रेंड और रोशनी और मैं वीडियो कॉल में एक दूसरे का डिवीजन सम्स दे रहे थे, तो फिर ये अभी तक तो मैंने रेज नहीं किया इसको। तो जब तक और सामान आता है, कियाना यहाँ पे लगी हुई है पूजा रूम सेट करने में। यहाँ पे इसने भगवान जी सजा दिए हैं। चलो गुड जॉब, अच्छे से करो। वेरी गुड, कियाना इज अ स्मार्ट गर्ल, शी नोज एवरीथिंग नाउ। वेरी गुड। उन सबको मैं इधर रख रही हूँ, जो ऐसी जो पूजा करने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे मैच स्टिक, वो सब मैं इधर रख रही हूँ। तो गुड गुड जॉब, लगे रहो। तो अभी पूरा सेट करने में ना सामान बहुत टाइम लग जाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो धीरे धीरे करती रहूँगी मैं। बस बेडिंग और वो ये कर्टन वगैरह लगा लेंगे आज, और कबर्ड्स वगैरह फिर धीरे धीरे सेट होती रहेगी। और यहाँ पे ना कियान सॉरी हरन को मिल गया कुछ खेलने के लिए। बेबी वाइप्स, नो 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 नो। हरन की नींद भी आज डिस्टर्ब हो गई है, इतनी देर में ये सो जाता था। छोना है, चलो नहीं निकलो। से हेलो, मैं छोने जा रहा हूँ। कौन है ये? हरन। ओ ओ ओ हेलो। तो कियाना सारे टॉयज नीचे डंप किए, मैं डर गई इतनी आवाज सुन के। और अभी लगी हुई है टॉयज सेट करने में। सबसे ज्यादा काम तो कियाना करती है हमारी। मैं बोर होती हूँ, मेरे पास कुछ टीवी देखने के लिए नहीं होता है, और फोन तो मैं देख लेती हूँ पर नहीं, फोन तो मैं देखती ही नहीं। अच्छे से सेट करना, ठीक है? तो ये कियाना की कबर्ड, एक ही सेक्शन में, एक में ही। एक में जितना जाएगा उतना ठीक है, फिर अगर नहीं है तो नीचे जाएगा, तो फिर बाकी कपड़े इधर रखेंगे। ओके। हाँ, मेरे पास में इधर ही आपके पास। हाँ, एक साइड में अपने रखना, एक साइड में हरण के। हाँ, तो मैं नीचे रख दूँगी। नहीं, एक में ही करो बेटा। गुड जॉब। शिफ्टिंग अभी प्रोग्रेस पे है, तो अभी आप देख रहे हो ना शिफ्टिंग हो रहा है। अभी इधर भी नहीं है, पर्दे खोलने बाकी रह गए हैं, टीवी खोलने बाकी रह गए हैं, बाकी इन्होंने एक टेबल को डिसमेंटल कर दिया। एक टेबल तो उन्होंने डिसमेंटल कर दिया है। सामान आ चुका है हमारा।
बेड सेट हो चुका है कि आना पहले अपने पैर साफ करके आओ, अभी फ्लोर भी नहीं साफ, बेड पे मत आ। तो उधर एक प्रॉब्लम है, देखो ये सॉकेट यहाँ पे है, तो हरन कभी भी इसमें अपनी फिंगर्स डाल सकता है, तो फिलहाल हमने इस पर टेप चिपका दी है। और वन मोर प्रॉब्लम कि यहाँ पे एक भी मिरर नहीं है, फोन में देखना पड़ेगा। हेलो, यहाँ पे हो रही है अभी बेड की सेटिंग दूसरे रूम में। तो हरन और कियाना चले गए हैं अपने बेड पे, बाकी अभी कर्टन्स लगाना बाकी है। मेरा बेड नहीं, मेरा बेड दूसरा। तो मैं जल्दी से कर्टन्स लगा लेती हूँ। और यहाँ की ट्यूबलाइट भी वर्क नहीं कर रही है, कल इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है। वहाँ पे कोई कुशन रख लेते हैं ना, ये पिल्लो रख लो। इसको भी ये उठा लेगा। और ये है मेरी वो नई वाली बेडशीट जो मैंने अमेज़न से मंगवाई थी। पिछले से भी वीडियो में दिखाया था। हरन का पजामा का है, इसने अपना सारा फॉर्मूला मिल्क का डब्बा अपने ऊपर गिर दिया था। गंदा बच्चा। तो थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है, टीवी वगैरह लग कर के सामान ऐसे पड़ा हुआ है, किचन भी सेट करने को है और बेडरूम फिलहाल सोने के लिए सेट हो चुके हैं। कियाना यहाँ पे प्ले कर रही है। अच्छा, मिक्सर ग्राइंडर का बेस्ट यूज़ हो रहा है बाय डॉल। तो डॉल ही कर रही है ना, इतना छोटा भी मैंने एक्सपेक्ट किया था बड़ा, क्योंकि एक मेरी डॉल है जो एक बड़ी डॉल है, उसका नाम मैंने लिली रखा है, बेबी अलाइव। तो फिर वो ऐसे पानी पी सकती है, तो फिर मैं उसके लिए ना पता क्या करती हूँ, अलग अलग तरह के कलर्स लेती हूँ ऐसे, उसको मिक्स करती कॉलिंग में, फिर उसको पिलाती थी। पहले मैं ऐसे करती थी कोरोना से पहले। तो आपने सोचा इसमें मिक्स करके पिलाओगे? हाँ, मैंने सोचा कि, तो मैं वैसे ही सर्च कर रही थी, वैसा नहीं मिला। मैंने सोचा कि ये इलेक्ट्रिक होगा, इलेक्ट्रिक मैंने भी यही सोचा था, इलेक्ट्रिक होगा। फिर ये काफी इतना कर बड़ा तो हो नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें डालूंगी, पानी डालूंगी और फिर मिक्स कर लूंगी, बटन होगा यहाँ पर। अच्छा, तो हरन अभी सो गया खाना आज नहीं बनेगा क्योंकि किचन अभी सेट नहीं हुआ, तो हमने बाहर से ऑर्डर किया है। और कियाना क्या खाने वाली है? पिज्जा एज यूजुअल। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय। पिज्जा पार्टी।